दादो, मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं बेटा, काम तो बस खत्म हो गया। दादो, आपने क्यों झूठ बोला आंटी से? क्या आप बिल्कुल ठीक है? मैंने कोई झूठ नहीं बोला बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादो, क्या हर्ष था अगर आप डॉक्टर के पास चली जाती? दुआ, क्यों तुम एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो? लेकिन आपको मेरी बात की कदर ही कब है? तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी दादो बिल्कुल ठीक है। चलो जाओ, जाओ जाके पढ़ाई करो। जी। जल्दी आऊंगी बेटा तुम्हारे पास, आजकल तबीयत ठीक नहीं है, शुगर बहुत हाई है। आंटी, आप अपना ख्याल रखा करें। तुम भी अपना ख्याल रखा करो बेटा। शहजाद कैसा है? ठीक है, समझ गया कि जिंदगी और मौत पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। बेटा, कोई भी चीज की जरूरत हो ना, बेधड़क बता दिया करो, जिस तरह बेटियां अपनी माओं को बताती हैं। समझ आई है? आप तो बगैर बताए इतना कुछ भेज देती हैं। इसमत, जिस घर में तुम रहती हो, ये फरमान के दोस्त का है ना? जी, ये पोर्शन हमने किराए पर लिया हुआ। फरमान के दोस्त की बीवी बहुत अच्छी है। पिछली दफा जब मैं आई थी ना, तो कह रही थी अब मैं इनसे किराया नहीं लूंगी। जी, वो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन लेकिन क्या बेटा? आंटी, हमारा कराची में एक मकान था जो फरमान ने सेल कर दिया था, बल्कि उसी की रकम तो वो रात को लेकर आ रहे थे जब वो हादसा हुआ। हम चाहते हैं कि उन पैसों से यहाँ अपना एक घर खरीद लें। बेटा, इंसान के इरादे खुदा के फैसलों के आगे कोई हैसियत नहीं रखते। फरमान के नसीब में अपना घर नहीं था, लेकिन तुमने उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी है। सर छुपाने के लिए अपना घर होना बहुत जरूरी है, इंसान बहुत सी फिक्रों से आजाद हो जाता है। सही कह रही हैं आंटी आप, लेकिन इसमें मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। बोलो बेटा, क्या फेवर दे सकती हूँ मैं? आंटी, मैं तो इद्दत में हूँ और इन मामलात को समझती भी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं फरमान के दोस्त जुबैर भाई से मकान तलाश करने के लिए कहूँ। बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं महरोज को कहती हूँ तुम्हारे मुताबिक कोई मकान तलाश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेचारी बच्ची। क्या कहा है दादू ने? बेटा, कह रही थी कि तुम्हारे मेरोज अंकल से वो कहेंगे। वो जुबैर अंकल हमें नहीं जाने देंगे, वो हमें जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते। वो कहते हैं वो बाबा के दोस्त हैं, हम दोनों उनकी जिम्मेदारी हैं। दोस्त के बच्चे और बीवी जिम्मेदारी नहीं होते, गलत कहते हैं।